हेलो दोस्तों, राज एसी टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मित्सुबिशी का जो एसी है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि ठंडा अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि टेम्परेचर जो है वो 26-27 के ऊपर जो है नहीं जा रहा था। यानी कि अगर रिमोट का जो टेम्परेचर हम लोग अगर 19-20 में भी रखते हैं तो उतना वो आता नहीं था, क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम हो गया था आउटडोर में, जिसका जो है हम लोग कैपलेरी जो है वो इसका जो प्रॉब्लम है वो कैपलेरी में। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका इसको चेक करने का तरीका जो है वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके लिए जो है मैं वीडियो अलग से आपके लिए जो है वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इसमें जो है मैं कैपलेरी वाला जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो कैपलेरी हम लोग चेंज करने वाला वीडियो, इसलिए मैं जो है आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो जो है वो मैंने कैपलेरी का जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। मैंने जो है कल कर चुका था कैपलेरी वाला वीडियो, क्योंकि उसमें कुछ फ्रेंड्स को समझ में नहीं आया था कि कैपलेरी किस साइज़ का यूज़ करें या फिर कितना लेंथ होना चाहिए। काफ़ी दोस्तों को जो है वो बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। तो इस वीडियो में मैं कैपलेरी किस तरह से चेंज किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि कोई एसी का अगर आप लोग कैपलेरी चेंज कर रहे हैं, तो उसका क्या है कि जितना कैपलेरी का जो साइज है उतना ही साइज आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है कैपलेरी, मैंने जो है एक कैपलेरी जो है मैंने खोल रखा है, ये इसका जो है पूरा लेंथ मैंने जो है वो निकाल दिया है। और निकालने के बाद इसको जो है इंची टेप की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से नापेंगे, और नाप के उतना ही हम लोग जो है इसमें कैपलेरी लगाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग जो है इसका जो कैपलेरी है, इसका जो कैपलेरी को हम लोग राउंड किस तरह से कर रहे हैं। तो राउंड आप किसी भी चीज़ से, आप गोल किसी भी चीज़, मेरे पास जो है वो कैपेसिटर था, तो कैपेसिटर से ही जो है मैंने जो है वो कैपलेरी को जो है वो गोल करके जो है अच्छे तरीके से इसको जो है हम मैंने जो है वो काम में लिया था। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने जो है इस कैपलेरी को जो है राउंड करके इस एसी में मैंने लगाया। फ्रेंड्स आप वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। इस कैपलेरी को मैं जो है लगाने के बाद अच्छे तरीके से जो है वो कूलिंग सब कुछ चेक करके इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। काफ़ी दोस्तों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी कि कैपलेरी लगाने के बाद भी उसका जो एसी है वो अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हो पा रहा था, तो मैं इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आप कैपलेरी लगाते हैं तो जो साइज़ का कैपलेरी आपका जो है आउटडोर में लगा हुआ है, उसी साइज़ का कैपलेरी आप ख़रीद कर या कहीं से लेकर आप मशीन में लगाएं, और जितना उसका लेंथ है उतना ही लगाएं, तो आप देख सकते हैं उस इस तरह से जो है मैंने जो है राउंड कर लिया है कैपलेरी को, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे और कस्टमर को भी लगे कि आप थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा दिखना चाहिए फ्रेंड्स कि काम किस तरह से हो रहा है, एक सिस्टम होना चाहिए काम के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक छोटा छोटा फ़िल्टर भी लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि फ़िल्टर को जो है मैंने जो है निकाल लिया था बाहर। वो जो है वो फ़िल्टर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी जो ये फ़िल्टर है, ठीक है, ये देखिए ये जो है ये फ़िल्टर है, तो इसमें बहुत सारा कचरा भी था। ये फ़िल्टर को मैंने जो है वो निकाल लिया है, और गैस चार्ज इसमें जो है वैक्यूम करके मैंने कर दिया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वर्क कर रहा है, और इसका जो कूलिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से कूलिंग हो रहा है, और इसका जो है चार्ज, गैस चार्ज भी वगैरह हो गया। गैस जो चार्ज होना था और जितना चार्ज होना था वो हो चुका है, और इसका जो फ़िल्टर जो है वो हमने निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहता था कि इसका जो कहाँ पे फ़िल्टर होता है, किस तरह से कैपलेरी साइज़ करके आप लगा सकते हैं कैपलेरी मशीन में। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हिसाब से जो है वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। और अगर कोई दिक्कत होती है और अगर आपको जानना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, क्या कैसे चेक करेंगे कि हाँ फ़िल्टर में ही, कैपलेरी में ही प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक में भी जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ बताया है कि कैपलेरी किस तरह से लगाते हैं और क्या साइज़ होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।